सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इज्जत मन में होने के लिए आप किस जात में पैदा होते हो ये जरूरी नहीं होता है। एक्ट्रेस फरा भास्कर की स्पीच सोशल मीडिया पर भयंकर वायरल है। वायरल वीडियो में बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर पैगंबर मोहम्मद का जिक्र करते हुए अपने पति के लिए चुनाव प्रचार करती नजर आ रही हैं। इस दौरान उन्होंने बिल्किस बानो और बीजेपी का भी जिक्र किया। दरअसल स्वरा के पति फहाद अहमद मुंबई के अनुशक्ति नगर विधानसभा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें शरद पवार गुट वाली एनसीपी से चुनावी टिकट मिला है। 17 नवंबर की शाम को स्वरा अपने पति के चुनाव प्रचार में शामिल हुई थी। उन्होंने एक जनसभा के दौरान ये सारी बातें कही। उनके भाषण का ये वायरल हिस्सा आप भी सुनिए। कबूल करने आई हूँ वो इल्जाम। हाँ, ये सच है कि मैं खिनू परिवार में पैदा हुई थी। और हाँ, ये भी सच है कि मैंने एक मुसलमान लड़के से शादी करी है। एक और सच बताना चाहती हूँ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इज्जत मन में होने के लिए आप किस जात में पैदा होते हो ये जरूरी नहीं होता है। जाके हाथ नहीं मिलाते हो, ठीक है ना? जो मेरे पति के दीन और ईमान पे बार बार सवाल उठा रहे हैं, आज इस मंच से मैं उन लोगों को पूछना चाहती हूँ कि आपका ईमान कहाँ था जब आपके दोस्त अनिल राठौर ने नितेश राणे की सभा यहाँ लगवाई थी, जहाँ पे खड़े होकर वो आपके नबी को गालियां दे सकता था। तब आपका ईमान कहाँ था? तब आपका ईमान कहाँ था जब बिल्किस बानो के गुस्ताखों को, जिन्होंने सामूहिक बलात्कार किया उसका, आपकी जिंदगी के लिए तो आपकी मुसलमान ने कहा थी? और तब आपका ईमान कहाँ था कि मेरे साथ हाथ मिला रहे हो? आपका ईमान तब कहाँ था जब वो लोग जो आपकी पार्टी और आपके पक्ष में, आपके गठबंधन में आपके साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जब महायुति की सरकार आएगी तो सबसे पहला काम वो ये करेंगे कि मस्जिद पर से लाउड स्पीकर हटा देंगे। इसी बयान के बाद से लोगों ने स्वरा भास्कर को लगातार निशाने पर लिया हुआ है। स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद के खिलाफ अजित पवार के गुट वाली एनसीपी की टिकट पर नवाब मलिक की बेटी सना मलिक मैदान पर है। स्वरा भास्कर अपने पति के चुनाव प्रचार में काफी ज्यादा एक्टिव है। कई जनसभाओं में वो भी हिस्सा ले रही है। बीते दिनों स्वरा भास्कर को लेकर एक और विवाद हुआ था, जब मौलाना सज्जाद नोमानी से मिलते हुए उनकी एक तस्वीर वायरल हो गई थी, जिस पर लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल किया। दरअसल मौलाना सज्जाद नोमानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं और अपने फीमेल एडुकेशन को लेकर दिए गए विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल 2023 में उन्होंने कहा था, ये मायने नहीं रखता कि लड़कियां स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनकर जा रही हैं या फिर नहीं, उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप लोग अपनी बच्ची को स्कूल या कॉलेज पढ़ने भेज रहे हैं तो आप पहले वहां के प्रिंसिपल से मिलें और आग्रह करें कि वो आपको बताते रहें कि उनकी बेटी ने सभी क्लासेस अटेंड की हैं या फिर नहीं, या फिर क्लास बंक करके कहीं और गई है। स्वरा अपने पति फवाद खान के साथ मौलाना से मिलने उनके दफ्तर पहुंची थी। फहाद अहमद ने अपने एक्स अकाउंट पर मुलाकात की तस्वीरें शेयर की थी। सोशल मीडिया पर लोग स्वरा भास्कर को हिपोक्रेट भी कह रहे हैं। उनका कहना है कि स्वरा खुद तो फेमिनिज्म की बातें करती हैं और एक मिसोजिनिस्ट सोच वाले व्यक्ति से मिलने पहुंच गई और उसे ग्लोरीफाई भी कर रही हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा, 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। इस खबर पर आगे जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। जानकारी जुटाई है आर्यन ने, मेरा नाम है विभावरी, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। जय हिंद फ्रेंड्स, देश की धड़कन ललन टॉप, और उस धड़कन में बैठते हैं सौरभ भाई और उनकी टीम। बेबाकी, स्पष्टता, मजाक, मतलब ललन टॉप के शो में अगर आप बैठते हैं तो आपको हर विधा साहित्य की दिखाई पड़ती, व्यंग दिखाई पड़ेगा आपको, स्पष्टता दिखाई पड़ेगी आपको, गहराई मिलेगी। और ऐसे ही एक प्रोग्राम ललन टॉप अड्डा, जिसका वो हर साल आयोजन करते हैं, इस बार फिर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित होने जा रहा है। 22, 23, 24 हमारी आपकी मुलाकात होगी 23 नवंबर को कुछ बहुत ही मजेदार मुद्दों पे, और क्या खूब जमेगी जब बैठेंगे हम, आप और ललन टॉप। अब इसमें करना क्या है, ललनटॉप.com पे जाके रजिस्ट्रेशन करके और फिर 22, 23, 24 को मुस्कुराते हुए हम सबसे मुलाकात करेंगे। जय हिंद।